चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक्निक सेशन। सो गर्मा गर्म टेक्निक आज भी लेके आऊँगा एज ऑलवेज आपके लिए। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने लॉन्ग ब्रेक ही ले लिया इनफैक्ट। हाँ तो वही, बट ठीक है, आपको दे तो दूंगा मैं न्यूज़, बट ठीक ऐसे नहीं दे पाऊँगा, लाइक हर रोज़ की तरह नहीं दे पाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे। तो आई थिंक, मतलब हाँ, मुझे पक्का आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ट्यूसडे से आपको हर एक टेक न्यूज़ डेली प्रॉपरली टाइम पर मिल जाएगी। और जी हाँ, वीडियोस भी नहीं अपलोड किए हमने कुछ टेक के रिलेटेड या फिर नॉन टेक के रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर से बताइएगा, तभी मैं उसके ऊपर काम चालू करूँगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं है कुछ भी, तो ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। चल और शुरू करेंगे। उससे पहले तो बता दो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है वरुण लखलानी, आप देख रहे हो चलती हूँ मेज़। और अगर नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब आप, मैं आपको क्या दूंगा, ग्रैंड वेलकम करता हूँ मैं आपका। और एक चीज़ करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मुझे ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सोच रहे होंगे कवर कहाँ है, क्योंकि यू नो सेफ्टी इज़ अ मेन प्रायोरिटी या फिर ड्यूरेबल, तो नहीं है तोड़िया कवर उसका, मैंने खटाक करके तोड़ दिया, पता नहीं क्यों तोड़ा, पर ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली खबर की, हुआ नहीं यहाँ पर Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Redmi Note 8 सीरीज ग्लोबली कितने सोल्ड हुए, इमेजिन 10 मिलियन से भी ज़्यादा ग्लोबली Redmi Note 8 सीरीज लॉन्च हुए, मतलब Note 8 और Note 8 Pro दोनों में। तो ये बहुत ही बड़ा गोल है Xiaomi के लिए, और स्पेशली ये नोट सीरीज़ मुझे लग रहा है नोट 9 धमाल करने वाला आएगा तब। बट नोट 8 तो अभी कर रहा है तमाशा, मतलब धमाल मचा दिया, सब ब्रांड्स को ऐसे मुंह खोले दिए पूरे के पूरे। सीरियसली Xiaomi Redmi Note 8 भाई बाप है, मतलब नोट 8 Pro सॉरी। तो देखते हैं मेरे पास कब आता है, तब मैं आपको ज़रूर से उसके बारे में अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन, गेमिंग सब थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, और यहाँ पर किससे, हैशटैग से दोस्तों, सॉरी फास्टैग से दोस्तों। फास्टैग ने ये, मतलब ये कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाल दिया, इनफैक्ट कब से है बट हाँ मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ये हमारे सिटी में था नहीं। वो रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है क्रेडिट टोल। जी हाँ, मतलब क्रेडिट टोल, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड ऐसा पता नहीं है, लेकिन इतना है कि आपको 15 दिनों में वो जो फास्टैग का स्टिकर है अपने कार के शीशे पे या फिर कांच पे, कहीं पे भी, मिरर पे, कहीं पे भी गाड़ी के लगाना है। तो ये आपको कंपलसरी है, वरना आप फिर कभी टोल भर ही नहीं पाओगे, आप कहीं जा ही नहीं पाओगे। अगर टोल नहीं भर पाओगे तो रोक देंगे और बाद में आपको उधर साइड में रुकना पड़ेगा, और क्या पैसे निकालेंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा एक सिंपल चीज़ है, वो स्टिकर लगा दो, अकाउंट तो आपका होगा ही ऑब्वियसली, सबका होता है अकाउंट, उसमें से आपके पैसे, मतलब आप गाड़ी लेके निकलोगे तो ऊपर वो स्कैन करेगा, ऐसे स्कैनर होगा, वो स्कैन करेगा और वो आपके पैसे भर देगा। हाँ जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है जी हाँ ये पक्का उसी चीज़ के लिए। टोल नाके का ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि ये सब करना पड़ता है, जी हाँ, और ये तो जी हाँ ये सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो यहाँ पे फास्टैग और गवर्नमेंट ने मिलके किया है, कर रहे हैं। इनफैक्ट 450 टोल नाका पे ये जो स्कैनर है, लाइक वो क्रेडिट स्कैनर, वो उधर अवेलेबल है 450 टोल नाका इंडिया के, सोचिए। बट हमारे एक भी, मतलब मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अगर आपको हुआ है तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा, और कमेंट नहीं तो या फिर इंस्टा पे बता दीजिएगा, वारन लखनऊ नाम है, फॉलो भी कर दीजिए, फॉलो करोगे तभी तो बता पाओगे। तो आइएगा इंस्टा पे, आपको बता दूंगा कि क्या है सही क्या है आप। और आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझसे तो भाई दिल खुल के आप पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मत पूछना, तो वैसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए दोस्तों बात, लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखना, फास्टैग का स्टिकर
आपके गाड़ी पे रहना ही चाहिए, या फिर आप कह सकते हो लेबल स्टिकर थोड़ा ऑड है क्योंकि स्टिकर तो ठीक है, लेबल जी हाँ, ये फास्टैग का लेबल आपको लगाना है। कहाँ मिलेगा वो तो आई थिंक सॉर्टियो के पास ही होगा, क्या पता किसके पास होगा, बट ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा कदम उठा रही है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, या फिर हाँ इंडियन गवर्नमेंट, तो अच्छा है। आपको बेल्ट खोलने की झंझट नहीं, पैसे निकालने की झंझट नहीं, छुट्टे की ज़रूरत नहीं, स्पेशली वो छुट्टे इतने मांगते हैं भाई सीरियसली। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से, आप पैसे लेते हो ठीक है, ले लो टोल नाका के जितने हो उतने, बट रोड्स तो थोड़े ठीक कर दो भाई। चलो इतने अभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, वो आ रही है यहाँ पर। अगर आप चाइना में रहते हो या फिर चाइना में जाके एक सिम कार्ड मोबाइल के लिए ख़रीदते हो तो आपको क्या करना पड़ता है। अगर सपोज आप इंडिया में हो अभी, सपोज मैं इंडिया में हूँ, मैंने नया फ़ोन लिया, अब मुझे जाना है सिम कार्ड लेने के लिए जियो में या फिर एयरटेल में कहीं पे भी, तो ब्ला 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 में, तो मैं ब्ला 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 में गया और फिर उनको कहा कि सिम कार्ड दे दीजिए, तो वो मांगेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड और बस, और आपकी आईडी, बस हो गया। इससे ज़्यादा वो लोग नहीं मांगेंगे, लेकिन चाइना में ये कंपलसरी है अगर आपको मोबाइल में सिम कार्ड डलवाना है। क्या पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब अगर आपको सिम कार्ड खरीदना है तो आपको कंपलसरी अपनी पूरी बॉडी की आईडी देनी पड़ेगी। और इनफैक्ट अभी तो उनका फिंगरप्रिंट और फेस वो भी आ गया है, फेस स्कैनर भी है उधर, तो आप अगर आप उधर लेते हो सिम कार्ड को तो आपको अपना फेस रेकअप करना पड़ेगा और फिंगर को भी रेकअप करना पड़ेगा जी हाँ। तो अच्छी चीज़ें या नहीं, मुझे नहीं लगती इतनी, क्योंकि हैकर्स रहते हैं वो सब मतलब कुछ भी कर सकते हैं आपके सिम कार्ड के साथ आपके साथ, तो ऐसे बहुत किस्से हैं तो हम इतना बिलीव नहीं कर सकते। बट हाँ, आपको चाइना में जाके सिक्योरिटी करनी ही पड़ेगी, मतलब फिंगरप्रिंट, फेस और क्या 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 पता नहीं, और तो क्या क्या है, ये दो चीज़ें वो आ रही है कि ठीक है। चलिए दोस्तों वैसे आप मुझे ज़रूर से बताइए, और इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडियावासी हैं या फिर भारतवासी हैं जी हाँ। तो ये क्या हुआ भाई, ठीक। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, और यहाँ पर जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया, ये चारों नहीं, जियो वोडाफोन एयरटेल आइडिया, ये चारों के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट ये आज से बढ़ चुके हैं, जियो और एयरटेल और वोडाफोन का तो पहले से ही था, 4 दिसंबर से हुआ था, जियो का कल से चालू होगा, 6 दिसंबर है तो कल से चालू होगा जियो का। और अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, मतलब महंगे हैं जी हाँ, तो मैं इसके ऊपर शायद से एक डेडिकेटेड वीडियो 3-4 दिनों में बना सकता हूँ, बना दूँगा आपके लिए। तो अगर मैं बनाऊँगा तो सही, अगर आपका वोट्स नहीं आया फिर भी बनाऊँगा, देखते हैं, बट मेरी एग्ज़ाम्स हैं तो अभी तो नहीं बना पाऊँगा, बट ठीक है बाद में बना के आपको दे दूँगा। चलिए तो जी हाँ, उसमें वोडाफोन और एयरटेल स्पेशली उन्होंने क्या ऐड किया है, 1 मिनट के 6 पैसे जी हाँ, मतलब आप 1 मिनट बात करो आपके 6 पैसे कट जाएंगे। और भी बहुत सारे, और उन्होंने कहा है कि 0 बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स, जी हाँ, बेनिफिट आपको अगर वोडाफोन और आइडिया है आपका सिम कार्ड तो आपको नहीं मिलने वाला है, नो नो नो। तो ये ही है सही सच, सुन लो, एयरटेल का ऐड है ना, सही सच सुन लो। तो जी हाँ, यही है एयरटेल और वोडाफोन के बारे में, सही सच सुन लो। तो और जियो ने कहा, और जियो ने कहा है कि वो अपने कस्टमर्स को 300% बेनिफिट भी देंगे और थोड़ा नुकसान भी करेंगे, तो ठीक है, नुकसान का तो पता नहीं लेकिन बेनिफिट ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है, आपको आपने प्लान्स देख ही लिए होंगे, मैं कितने दिन के बाद ये वीडियो बनाऊँगा, ये तो बहुत पुरानी मतलब एक कल की है टेक न्यूज़ है वो। अभी मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको देने के लिए, जैसे कि वो फास्टैग और ये जियो, ये तो आपको पता होगा, बट ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, वो अरे यहाँ पर क्लब फैक्ट्री की तरफ से। दोस्तों आपको पता है क्लब फैक्ट्री ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है,
उसमें आपको मिलता रहता है फ्रेंच डील रुपीज वन, एक रुपये में एयरपोर्ट ले लो, एक रुपये में मोबाइल कवर ले लो, क्या कुछ नहीं ले लो। लेकिन आज उसका सच सामने आ गया है। जी हाँ, एक सर्वे के हिसाब से कहा जा रहा है कि क्लब फैक्ट्री 90% ऑफ फेक प्रोडक्ट्स उठा के आपको बेचता है। जी हाँ, तो 90% तो नहीं, बट ठीक है 90 तो नहीं, लेकिन ठीक है 10-20% तो आपको वो फेक देता ही है। तो अगर आप क्लब फैक्ट्री या फिर शॉप क्लूज का तो अभी बताया नहीं है, लेकिन क्लब फैक्ट्री से अगर आप कुछ लेते हो तो ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ फेक आ गया तो आपका ही नुकसान होगा। अगर नाइकी के कुछ शूज़ मंगवाए और आए कुछ अलग, मतलब आए नाइकी के एकदम डिट्टो एकदम ओरिजिनल जैसे, बट ओरिजिनल होंगे ही नहीं, तो आपके पैसे उड़ जाएंगे। बट पैसे भी सस्ते होते हैं, तो आई मीन उधर आप खरीदते हो तो वो सस्ते में आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि दिया जो आपको सस्ते में दिखता है ना, वो हमेशा फेक होता है। ऐसा एक रूमर है, बहुत पहले आया था तो अभी बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खबर की। वारी यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से दोस्तों, ये भी कल की खबर है। और फ्लिपकार्ट ने ये चीज़ क्यों की, मतलब हाँ मैं मानता हूँ फ्लिपकार्ट ने नहीं की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ना, आप कहोगे क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो जी हाँ, फ्लिपकार्ट से मंगवाया एक बंदे ने मुंबई में एक कैमरा 27,000 का, और अंदर क्या निकला सोचिए। बॉक्स मिल गया उनको, कैमरा के बॉक्स में एकदम जो भी बॉक्स हो वो, मतलब बॉक्स था कंपनी का, ब्रांड थी, तो उसको रखा, देखा अंदर टाइल्स और पत्थर। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, कैमरा मंगाया और निकले टाइल्स पत्थर और क्या क्या कुछ नहीं। जी हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकली उसमें से, यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल निकली आपके उस पत्थर और टाइल्स से, मतलब पत्थर और टाइल्स का ये यूज़र सोचिए। बट आपके लिए बुरा लग रहा है अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो सही में आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अगर आपके 27,000 रुपये उड़ गए तो आपको ही बुरा लगेगा ऑब्वियसली, मतलब पैसे कुछ, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खबर की। हुआ यहाँ पर वीवो की तरफ से दोस्तों, वीवो का U20 को मिलने वाला है 8GB रैम का वेरिएंट। जी हाँ, वो होगा सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स के लिए, और ये जो बाकी के U20 में मौजूद है उसमें आपको मिलेगा 4/6, आपको पता है 4GB 6GB। तो जी हाँ, 8GB भी वीवो के U20 को जल्दी से मिल जाएगा। और ये सही बात है, वीवो ने ही कहा कि हम ऑफलाइन स्टोर्स के लिए 8GB वेरिएंट लाएंगे। और महंगा, जी हाँ महंगा है, 19,000 का है, तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 675 प्रोसेसर आपको 19,000 में मिल रहा है, तो कोई क्यों लेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगला खबर की। वो भी एक खबर आ रही है, एक वीवो की तरफ से ही आ रही है, और ये खबर बहुत ही अच्छी है कि वीवो V17 आपको दिसंबर में जाके देखने को मिलेगा। तो कब मिलेगा? हाँ, अपकमिंग स्मार्टफोन दिसंबर आ रहा है जल्दी हमारे इसी चैनल पर, तो बने रहिएगा। बट हाँ, 3-4 दिन तो लगेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं। संडे को मत गिनना, अगर संडे को दे सकता हूँ तो दे दूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि संडे को वैसे भी कुछ वीडियोज़ तो मैं डालता नहीं हूँ, तो मैं फ्री हूँ संडे को, तो मैं आपको ज़रूर से दे दूँगा। और हाँ, वीवो का V17 ये वो है फ़ोन जो चाइना में, रशिया में, फिलीपींस में आपको ये वीवो S1 Pro के नाम से गया था। तो जी हाँ, तो यही है वीवो का V17 जो, और हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ दिसंबर आ रहा है, तो उस पे आप बहुत ज़्यादा प्यार और वेट करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगला खबर की। वन यहाँ पर सोने की तरफ से, व्हाट, तो सोने की तरफ से आई मीन नॉट दैट गोल्ड, बट ठीक है। जी हाँ, तो आपको, आप अगर 10 घंटे के लिए सोते हो 100 दिनों के लिए, तो आपको मिलेंगे 100 सॉरी कितने
करते हैं, 1,00,000 रुपए अगर आप सोते हो 10 घंटे 100 दिन, मतलब अगर आप अपना काम ख़त्म करके आते हो रात को और फिर उधर जाके 10 घंटे सोते हो, और हाँ वो लोग देखेंगे 5-10 मिनट में आप पूरे स्नोर हो जाने चाहिए, चीटिंग नहीं चलेगी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यही है आज की टेक न्यूज़, और आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, मतलब सोने से 1,00,000 रुपए। चलिए दोस्तों, ख़त्म होती है आज की भी टेक्निक, क्या बोल रहा हूँ, हाँ ख़त्म होती है आज की भी टेक्निक। सब गर्मा गर्म थी आज, तो सही में गर्म थी। और हाँ, फास्टैग भूलना नहीं। और तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। नया वीडियो आ रहा है अपकमिंग स्मार्टफोन 2019 दिसंबर, तो चलो।